हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और आज है 14th of August, इंडिपेंडेंस डे। और आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफकोर्स। तो मैं फुल रेडी हो जाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं रेडी हुआ, मैंने अपने कपड़े रेडी कर चुकी हूँ और बाकी सब लोग आपको दिखाऊंगी। अभी कुछ प्लान नहीं है, अनप्लान है, जो भी होगा वो ब्लॉग में आपको दिखता जाएगा। चलो, मेरा ड्रेस व्हाइट पैंट, ग्रीन शर्ट, व्हाइट दुपट्टा, ऑल सेट। तो मैं कपड़े वपड़े पहन चुकी हूँ, ज्वेलरी वगैरह पहन चुकी हूँ। जब कहीं जाएंगे तो बाल वाल बना लूंगी, अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं। और अभी इंतजार करते हैं बीरू का। बीरू अभी गई भी है मेरे पापा के साथ, ऑफकोर्स वो मामू की जान, वो उनके साथ गई हुई हैं। तो वो आएंगी तो मैं आपको उसका भी लुक दिखाऊंगी। इतनी क्यूट लग रही है, पापा उसके लिए रात को ही फ्रॉक वगैरह ले आए थे, फ्रॉक्स और उसके चूड़ियाँ वगैरह, बहुत बहुत क्यूट लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो जब आती है तो आपको उससे भी, आपको वो भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी बस देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, पापा का इंतज़ार है और सबका इंतज़ार है। चलो, चुकी है बीरू बीरू और ये है पूरा बीरू बीरू का ड्रेस फुल। और चूड़ियाँ तो दिखा दो आप अपनी, ये देखे चूड़ियाँ और ब्रेसलेट, वेरी गुड। हेयर बैंड तो दिखाओ, ये देखो वाइट, ये देखो फुल। अबीरा जश्न आज़ादी मुबारक बना रही, मुबारक जश्न आज़ादी बना रही है बीरू बीरू। ये है मेरा पूरा लुक और बस अभी हम लोग रेडी हो, सब पूरा घर रेडी हो चुका है, बस अब जा रहे हैं। आगे बस गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये भीरू को चांद नजर आ गया और बस अभी चलते हैं। 15 साल के छोटे छोटे बच्चे, लैबे ठुकटे ठुकटे बच्चे बाजे बजाते जा रहे हैं। ये देखो सारी शॉप्स ना ये सजी हुई हैं और ये अल्पाइनर वालों ने तो बिल्कुल ही सजाया हुआ है भाई, माशाल्लाह। और ये लियाकताबाद की तरफ सारे, ये देखो यार, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। झूले पे बैठे नहीं नहीं सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं ये लियाकताबाद के गोलगप्पे खाने। ये आ चुके हैं हमारे गोलगप्पे, खाओगे आप बीरू? ने ले लिया ये, एक क्या कहते हैं इसे, शीप। दिखा तो दो सही से उसे, अरे सही से दिखाओ, ऐसे नहीं दिख रहा वो, फ्रंट तो दिखाओ। गाड़ी था वो बजा रहे हैं। ये फायरवर्क हो रहे हैं ये अस्करी पार्क में। और ये आपको ये दिख रहा है ये रिंग वाला बड़ा झूला, ये इसके अंदर से ऊपर बिल्कुल टॉप पे, ये देखो वहाँ से हो रही है फायरवर्क। और अब हम आ चुके हैं स्टीमी बाइट्स और यहाँ के मोमोज है और अल्फ्रेडो पास्ता वो बेस्ट है। ये आ गए मेरे मोमोज और ये मामा ने मंगवाए थे शेजवान मोमोज, और रूहिना का ये रहा अल्फ्रेडो पास्ता। ये बहुत, तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं यार। और अब हम लोग आ चुके हैं ये दौरा जी का गोला गंडा खाने, फेमस दौरा जी के जो गोला गंडे वो खाने। क्या आ चुके हैं हमारे गोला गंडे, कितने बड़े हैं यार। गंडा ख़त्म हो चुका है, एक लास्ट ये रोइना है जिसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब, घर पहुंचने वाले हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मज़ा आ गया आज तो, गाड़ी में बैठे हैं लेकिन जो घूमे हैं हम लोग, पहले गोलगप्पे, फिर मोमोस, अल्फ्रेडो पास्ता, फिर क्या कहते हैं उसे, डम्पलिंग, ऑफकोर्स डम्पलिंग। और उसके बाद हमने लास्ट चीज क्या खाई है, गोला गंडा, दौरा जी का गोला गंडा। मैं पहली बार खा रही हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी अभी तक जो मैंने गुजारी है ज़िंदगी उसमें पहली बार खा रही हूँ। और बाकी तो हर दूसरी जगहों की खाएं लेकिन दौरा जी की, मेरी मामा भी बोल रही थी मैंने इतने टाइम बाद खाया, पापा भी बोल रहे थे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा मतलब बहुत ही मज़े का, और 250 रुपीज़ में इतना बड़ा ह्यूज था वो, एक बंदे एक पर्सन के लिए ना बहुत ही बड़ा है। और बस यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।